सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धर्म जिसने सबको शांति का न सिर्फ पाठ पढ़ाया बल्कि उस पर चलने का मार्ग भी बतलाया। बौद्ध धर्म को उसके मध्यम मार्ग के लिए ही जाना जाता है। संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। इस बेहतरीन कथन के साथ महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण का जो रास्ता बताया उस रास्ते पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग चल पड़े। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जब बौद्ध धर्म भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। जाति वर्ण ऊंच नीच छुआछूत से भरे इस समाज में जागरण की एक नई लौ जली थी। जहां बौद्ध धर्म इन सारी सामाजिक बुराइयों से दूर था वहीं बुद्ध के द्वारा दिखाया गया मार्ग इतना सुलझा हुआ था कि लोग आसानी से इसे समझ सकें। बौद्ध धर्म ने हमेशा से ही सांसारिक मोह माया बंधनों व इच्छाओं के त्याग की बात की और जो व्यक्ति बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा गया। इन बौद्ध भिक्षुओं का कार्य लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देना व इसका प्रचार प्रसार करना था। सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले ये भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करने लगे और नई नई जगहों पर ये लोगों को उनके दुख से निजात दिलाने का मार्ग दिखलाने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के इसी विचरण व भ्रमण को विहार कहा गया। विहार एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, परंतु बौद्ध धर्म के संदर्भ में विहार का अर्थ न सिर्फ विचरण से है बल्कि भिक्षुओं के ठहरने के स्थान से भी है। जब भी ये बौद्ध भिक्षु किसी इलाके से गुजरते तो वहां स्थित प्राकृतिक बसेरों को अपने रहने के लिए प्रयोग में लाते। इन प्राकृतिक बसेरों में प्राचीन गुफाएं कंदराएं बड़े बड़े पेड़ों की छांव व कभी कभी घास फूस से बनाई गई अस्थायी झोपड़ियां भी होती थी। मौर्य शासन काल में अशोक ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया और कई सारी गुफाएं भिक्षुओं को दान में दे दी, जिसके बाद इन गुफाओं का प्रयोग भिक्षुओं द्वारा स्थायी रूप में किया जाने लगा और भिक्षुओं ने इन्हें धार्मिक कार्यों में प्रयोग करना शुरू कर दिया। भिक्षुओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ये गुफाएं धीरे धीरे आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर कर आईं, जिन्हें तराश कर चैत्य की संज्ञा दी गई। चैत्य बौद्धों के लिए पूजा अर्चना करने का एक स्थान था। जहां विहार में भिक्षुओं के निवास के लिए प्रबंध था वहीं चैत्य का प्रयोग भिक्षु ध्यान लगाने के लिए करते थे। चैत्य एक तरह का हॉल था जिसमें कई सारे भिक्षु व साधक अपने आराध्य बुद्ध की उपासना करते थे। मेडिटेशन और ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिकतर चैत्य गुफाएं मानव बस्तियों से दूर बसाई गई थी। उत्तर मौर्य काल में इन चैत्यों की दीवारों पर बेहतरीन कारीगरी व नक्काशी का भी प्रदर्शन किया गया और बुद्ध की कई प्रतिमाओं को दीवारों पर उकेरा गया। कहा जाता है कि भारत के सबसे पुराने राज्यों में से एक बिहार को उसका नाम बौद्ध धर्म के विहार से ही मिला। बिहार क्षेत्र में बौद्ध धर्म के सबसे अधिक चैत्य मौजूद थे और एक समय यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का केंद्र भी माना जाता था। समय के साथ ये चैत्य गुफाएं व विहार क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें से अधिकतर के अब अवशेष ही बचे हैं, परंतु इनमें से कुछ आज भी सही सलामत स्थिति में हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कार्ले का विशाल चैत्य हॉल। महाराष्ट्र के लोनावाला से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चैत्य हॉल एकमात्र ऐसा हॉल है जो बेहतर स्थिति में बचा है। अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चरल क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध यह चैत्य हॉल बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि कुछ व्यापारियों
व सातवाहन शासकों ने इसके निर्माण के लिए अनुदान दिया था। इस गुफा को बौद्ध धर्म के महासंगिका सेक्ट से जोड़कर भी देखा जाता है। सह्याद्री पहाड़ियों पर बने इस विहार में कई सारी गुफाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है ग्रेट चैत्य केव नंबर 8। इस गुफा में एक बौद्ध स्तूप भी है, जिसके सामने एक विशाल हॉल का निर्माण भी किया गया है। हॉल के दोनों तरफ 15-15 खंभे हैं, जो अष्टभुजी संरचना या ऑक्टागोनल शेप में हैं। गुफाओं में मंदिर बनाने की यह परंपरा, जो बौद्ध धर्म से शुरू हुई थी, बाद में और भी विस्तृत होती चली गई। फिर चाहे वह आजीवक धर्म रहा हो या फिर जैन या हिंदू, हर धर्म में गुफाओं को तराश कर मंदिर बनाए गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। एक समय आस्था के प्रमुख केंद्र रही ये गुफाएं आज न सिर्फ आस्था बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी बहुत प्रसिद्ध हैं और विश्व भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।